गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, बच्चों तुम्हें आज एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तुम सब लोग को पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? पता है तुम्हें? हिमालय के ऊपर जो एवरेस्ट की चोटी है वो सबसे ऊंचा है, और उस चोटी पर सबसे पहले किसने विजय प्राप्त की थी, कौन चढ़ा था सबसे पहले? तो सब लोग बताओगे तेंजिंग शेरपा। तेंजिंग शेरपा एक गाइड थे, उन्होंने सबसे पहले हिमालय की चोटी पर विजय प्राप्त किया, हिमालय की चोटी पर फतह किया, हिमालय की चोटी पर भारत का झंडा को गाड़ा। लेकिन आज की दुनिया में बच्चों, जो काम पुरुष करते हैं उन सभी कामों को स्त्रियां भी करती, उन सभी कामों को लड़कियां भी करती, उन सभी कामों को बेटियां भी करती। पहले यह धारणा थी कि लड़कियां कमज़ोर होती है, निर्बल होती है, ताकत नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, लेकिन यह बात पूर्ण रूप से मनगढ़ंत थी। लोगों का अपना बात था, लोग कई कारणों से इन सब बातों पर विशेष बात बोलते थे, लेकिन असलियत यह है कि बेटियां कभी भी कमज़ोर नहीं थी, बेटियां कभी भी बेवकूफ़ नहीं थी, बेटियां बल्कि कमज़ोर तो क्या, बेटियां शक्तिशाली होती थी, बेटियां पढ़ने ज्ञान में अच्छी होती थी, बेटियां ज्ञान में अच्छी है, कौशल में अच्छी है, निपुणता में अच्छी है। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती है, चाहे वो आकाश हो, पाताल हो, धरती हो। आज एरोप्लेन चला रही है बेटियां, आज लड़कियां साइंटिस्ट बन रही है, आज बेटियां मंगल ग्रह पर यान भेज रही है बनाकर, आज बेटियां एसपी बन रही है, डीएम बन रही है, टीचर बन रही है, क्लर्क बन रही है, डॉक्टर बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है, इंजीनियर बन रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे बेटियों ने अपना दबदबा नहीं बनाया। तो इसी क्रम में तुम्हें बताता हूँ कि जैसे तुमने तेंजिंग शेरपा का नाम सुना है, उसी पर्वत श्रृंखला पर एवरेस्ट की चोटी पर एक लड़की ने भी उस पर अपना विजय प्राप्त किया था, उस पर अपना फतह किया था, एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले चढ़ी थी। उस लड़की का चित्र मैं दे रहा हूँ, उसका नाम है बचेंद्री पाल। क्या नाम है? बचेंद्री पाल। बच्चों, ये उन्हीं की जीवनी है, उनसे सीखने के लिए मैंने इसमें तो किताब में लिखा है सिर्फ केवल पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, मैंने पिछले साल भी यही किया था, इसको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, मैं इसे तुम्हारे कोर्स बुक में रख रहा हूँ, मैं तुम्हें इसको लेसन में रख रहा हूँ, तुम्हें इसको पाठ्यक्रम में रख रहा हूँ, ताकि तुम्हें इनके बारे में सब दिन बहुत सीरियसली याद रहे। यदि सिर्फ पढ़ने के लिए होगा तो तुम सीरियसली इसको ध्यान नहीं दोगे, इसलिए मैंने इसको तुम्हारे लिए एकदम सीरियसली लिया है। ठीक है बच्चों, तो कहानी इस प्रकार है कि बैजेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। 24 मई 1954 को उत्तराखंड के चमोली जिले में जन्मी बैजेंद्री पाल, 24 मई और दुनिया का सबसे एवरेस्ट की चोटी। बच्चों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मतलब पर्वत का मुख्य भाग, चोटी सबसे ऊंचा का नाम क्या है? बच्चों, उसका उत्तर होगा हिमालय की एवरेस्ट चोटी। बच्चों, ये जो एवरेस्ट की चोटी है, चूंकि यह एक आदमी जो एक पर्वतारोही थे, जिन्होंने सबसे पहले सबसे ऊंची जो चोटी थी उसका
नाप किया था, मेज़रमेंट किया था, उनका नाम ही एवरेस्ट था, इसीलिए हिमालय के उस चोटी का नाम एवरेस्ट, जो माउंटेनियर थे, जो पर्वतारोही थे, उनके नाम पर पड़ा। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सा पुरुष सबसे पहले चढ़ा एवरेस्ट की चोटी पर, कौन सबसे पहले चढ़ा? तो सबको पता है वो कौन थे, तीन जिंग शेरपा। ठीक है, और तीसरा नाम एवरेस्ट की चोटी पर कौन सी महिला सबसे पहले चढ़ी? तो उसका नाम है बचेंद्री पाल। क्या नाम है बच्चों? बचेंद्री पाल। ठीक है, तो बचेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से जो काटकर एक नया राज्य बना है, वहाँ की रहने वाली थी। बच्चों, यह राज्य हमारे भारत देश के उत्तर दिशा में है, हिमालय की गोद में बसा है यह राज्य उत्तराखंड। यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में हमारे देश के लिए सेना में लोग आते हैं, युवा आते हैं, लड़की लड़के सब, बहुत बड़े तादाद में। ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि कहीं से सेना में, हमारे देश के सेना में काम करने वाले आते हैं तो वह उत्तराखंड से है। बच्चों, 24 मई 1954 को उत्तराखंड के चमोली जिले में जन्मी थी। तारीख याद रखना, 24 मई 1954 उनका जन्म हुआ था, और अपने 5 भाई बहन में वो तीसरे नंबर पर थी। कितने नंबर पर? 3rd नंबर पर। इनका परिवार गरीब परिवार था, पहाड़ पर रहने वाले लोगों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी होती नहीं है, क्योंकि उन्हें मैदान के तरह सुविधा नहीं मिला, बाज़ार नहीं मिला, अपने सामान को बेचने का जगह बाज़ार नहीं मिला, और उनके पास भारत देश के या राज्य के सुविधा जो होते हैं, जैसे बिजली हुआ, स्कूल हुआ, अस्पताल हुआ, बस हुआ, ट्रेन हुआ, एयरपोर्ट हुआ, ये सब जो है नहीं पहुंच पाने के कारण वह विकास के क्रम में पीछे रह जाते हैं। सरकार को यह जल्दी से जल्दी इनके तक सुविधा पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, जो पहाड़ी इलाका है, जिनके पास मुश्किल से ही जीवन निर्वाह करने के साधन थे। बचेंद्री पाल के घर में कोई खास जीवन निर्वाह करने के लिए कोई अच्छा कोई काम नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई ऑफिसर नहीं थे, यहाँ तक कि बच्चों को फीस भरना भी इस परिवार के लिए बड़ा मुसीबत थी। फीस जो है, स्कूल का जो फीस होता वह नहीं भर पाते थे। आर्थिक अभाव, आर्थिक मतलब पैसे, आर्थिक मतलब बच्चों पैसे, पैसे के अभाव में, पैसे की कमी के कारण, अभाव मतलब कमी, अभाव मतलब कमी। ठीक है बच्चों, यहाँ भी लिखता हूँ, आर्थिक मतलब रुपया पैसा, और अभाव मतलब कमी। ठीक है बच्चों, पैसे के अभाव चलते 8वीं की पढ़ाई के बाद बड़ी बहन की शिक्षा जारी रखने के लिए सिलाई का काम शुरू किया। क्या काम शुरू किया बचेंद्री ने? सिलाई का। सिलाई समझते हैं बच्चों, कपड़े सीने वाले को सिलाई कहते हैं, काम को सिलाई कहा जाता है, कपड़े से
ताकि अपनी किताबों और फीस के पैसे चुका सके। दसवीं पास के बाद पिताजी उनकी आगे पढ़ाई बंद कर देना चाहते थे। जब ये टेंथ में पहुंच गई तो पिताजी उन्हें नहीं पढ़ाना चाहते थे, पर बैचेंद्री के विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उनके पिताजी को समझाया, आप क्यों बच्ची का भविष्य चौपट कर रहे हैं। पिता नहीं पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस स्कूल के प्रधानाचार्य जो थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनके पिता को समझाया कि बच्ची यदि नहीं पढ़ेगी तो उसका भविष्य जो है वह उज्जवल नहीं हो पाएगा, वह कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगी, अच्छे पोस्ट पे नहीं जा पाएगी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाएगी, जैसे आपकी स्थिति है वैसे की वैसे उसकी भी रह जाएगी। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है बच्चों जो सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो सभी समस्याओं के ताले को खोल सकती है। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो कोई भी ताला समस्या हो उस ताले को खोल सकती है। यदि शिक्षा को एक चाबी मान लो और समस्या को एक ताला मान लो, तो शिक्षा ही एक ऐसा है जो हमें उस समस्या से निवारण करा सकती है, छुटकारा दिला सकती है, उससे हमको बचा सकती है। इसलिए शिक्षित करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो प्रधानाचार्य ने क्या कहा कि आप क्यों बच्ची का भविष्य चौपट करें? किसने कहा? प्रधानाचार्य ने किससे कहा? उसके पिताजी से। यह बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची है, प्रतिभाशाली मतलब टैलेंटेड बच्ची है, बहुत अव्वल किस्म की है। प्रधानाचार्य के समझाने के से पिताजी बचेंद्री को आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। हिमालय के प्रति बचेंद्री के मन में शुरू से गहरा आकर्षण था। वो हिमालय पर्वत को देखती थी तो उसके मन में हमेशा एक अट्रैक्शन था, आकर्षण था। आकर्षण का मतलब खिंचाव, ठीक है बच्चों। एवरेस्ट पर चढ़ना उनका सबसे बड़ा सपना था। उसने मन ही मन सोचा था कि मैं एक दिन ज़रूर से ज़रूर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ूंगी, जहां पर कभी तेंजिंग शेरपा ने चढ़ा था। इसी कारण बैचेंद्री ने नेहरू पर्वतारोहण संस्था में दाखिल लिया। कहां एडमिशन लिया उसने? जिसका नाम है नेहरू पर्वतारोहण संस्था। यहां पे कैसे क्लाइंबिंग कराया जाता है, हिमालय पर चोटी पर पहाड़ों पर कैसे चढ़ना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होती है। बैचेंद्री को इंडियन माउंटेनियरिंग संस्था की ओर से 1884 में शुरू होने वाले एवरेस्ट अभियान में शामिल किया गया का पत्र आया। 1884 में वहां पर एक अभियान दल जा रहा था जो एवरेस्ट में चढ़ना चाह रहा था, तो बैचेंद्री को भी इसके लिए स्वीकार कर लिया गया। बैचेंद्री पाल ने बहुत हिचकते हुए अपनी स्वीकृति भेज दी। बैचेंद्री इसमें जाना नहीं चाह रही थी, उस समय वह मानसिक रूप से पूर्ण रूप से तैयार नहीं थी, लेकिन वह फिर भी इसके लिए तैयार हो गई। अगस्त 83 में विश्व भर के पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें बैचेंद्री पाल की बड़ी हस्तियों से मुलाकात हुई। बच्चों, यह कहानी में एक बात, सबसे बड़ा बात यह है कि समस्या लाख हो परंतु यदि हम मन से ठान ले कि हम जैसे भी इस काम को करेंगे, ठीक है बच्चों, मन का बल जो आत्म की शक्ति होती है, आत्मा की शक्ति होती है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मबल से बड़ा बल कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बल किस में होता है? आत्मा में। और मन से तुमने, इसलिए कहावत है हिंदी में, मन के हारे हार मन के जीते जीत। यदि तुमने मन से हार स्वीकार कर लिया तो फिर तुम कभी नहीं जीत पाओगे, और यदि तुमने मन से हार स्वीकार नहीं किया, मन तुम्हारा कह रहा है कि तुम जैसे भी जीतोगे तो तुम जो है 500 केजी के आदमी पहलवान को भी हरा सकते हो।
तुम कोई भी पहाड़ को लांघ सकते हो, तुम कोई भी नदी को तैर कर पार कर सकते हो, तुम कोई भी चुनौती का सामना कर सकते हो। यह सिर्फ और सिर्फ तुमको तुम्हारे मन में होना चाहिए कि मैं ज़रूर जीतूँगा, मैं ही जीतूँगा, मेरा ही जीतने के लिए जन्म हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ाऊँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।